मोस्ट ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग एंड रिलीज CO2. हम सभी ऐसा करते हैं, प्लांट्स भी ज़्यादातर नाइट में तो ऐसा ही करते हैं. दैट लिव इन वाटर, तो फिर जो पानी में रहते हैं वो क्या करेंगे? दैट द ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर. और हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं, जो ज़मीन में रहते हैं उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर. हम तो एटमॉस्फेयर से ले लेंगे. एंड रिलीज CO2 इन एटमॉस्फेयर. वाइल एक्वेटिक, जो एक्वेटिक हैं ऑर्गेनिज्म लाइक फिश, दे हैव टू डिपेंड ऑन ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर. Dissolved in water for their respiration need. तो उनको अपनी respiration need के लिए किस oxygen पर rely करना पड़ता है, किस पर भरोसा करना पड़ता है? जो पानी में घुली हुई oxygen है. For their oxygen needs. इतनी बात समझ में आई? क्या वो बाहर आ सकते हैं बार बार ऊपर, कि उन्हें पानी के अंदर जो डिजॉल्व उसी को करना पड़ेगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी लो. बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं ऑक्सीजन. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी लो. तो ऐसे में वो क्या करेंगे? तो जब इतना, अगर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो क्या होगा बताइए? क्या वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे? जैसे आपके रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है एसी लगाने से, तो कितना महंगा पड़ता है मालूम है एसी लगाने से? क्योंकि एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बनाए रखने के लिए हमको बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है. सुबह शाम खाना पड़ता है, दो टाइम खाना पड़ता है. तो और फिर उसके बाद ऑक्सीजन भी खूब चाहिए, तब हम कॉन्स्टेंटली हीट डेवलप कर पाते हैं. और हम वार्म ब्लडेड हैं. कैसे हैं? वार्म ब्लडेड का मतलब समझते हो क्या होता है? कि बाहर कैसा भी टेम्परेचर हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.7 डिग्री फारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा. तो क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है? बोलो, क्या हम साल भर काम कर सकते हैं उतनी एफिशिएंटली कि हमें छुट्टी मिलती है कभी? काम कर सकते हैं क्या हम? कभी हिबरनेशन में जाते हैं? जैसे छिपकली चली जाती, सांप चले जाते, 6 महीने के लिए अपनी सारी लाइफ एक्टिविटी सस्पेंड कर देते हैं जब तक ठंडा का. हम लोग भी हिबरनेशन में चले जाते हैं क्या? 6 महीने सो जाते हैं क्या? तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, दे गो टू हिबरनेशन, सस्पेंड देयर लाइफ प्रोसेसेस, मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस एक्सेप्ट स्लो ब्रीदिंग. जबकि हम ऐसा नहीं करते. अच्छा, जो पानी में रहते हैं क्या वो उतनी मात्रा में एनर्जी रिलीज कर सकते हैं? क्या पानी में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में डिजॉल्व्ड है? जब उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वो रेस्पायर क्या करेंगे? और खाने को पचाएंगे क्या? ग्लूकोज को तोड़ेंगे क्या? ऑक्सीजन ही नहीं डिजॉल्व्ड है. सो वेरी लो, यानी 0.0016 लीटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर. इतनी कम सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की. तो इतने में बेचारे वो लोग करेंगे तो क्या करेंगे? तो 1 लीटर वाटर में इतनी कम सॉल्युबिलिटी होती है. सो सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस, तो इस वजह से क्या वो बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं कि जल्दी जल्दी उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए, कम से कम जो भी मिलनी है. तो हम यहाँ धीरे धीरे ब्रीदिंग करते हैं आराम से. और जो पानी के रहने वाले हैं उनका हार्ट बहुत तेज़ी से बीट करता है, और ब्लड जिससे कि जो भी ऑक्सीजन है वो ले सकें. सो वाटर इज़ क्वाइट लो. तो सॉल्युबिलिटी जब
बहुत लो है, तो ऐसे केस में उन्हें क्या करना पड़ेगा? नाउ दे हैव, तो इस तरीके से दीज ऑर्गन्स हैव ए स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया विच इज इन ऑक्सीजन रिच एटमोसफियर। तो इसलिए उनकी बॉडी में एक गिल जैसा स्ट्रक्चर होता है। सो फिश में किस तरीके से होगा? फिश हैव अ गिल स्ट्रक्चर विच हैज अ लार्ज सरफेस एरिया, विच हैज अ लार्ज सरफेस एरिया। यानी आप ये देख लो, ये जो फिश हैं, तो फिश में ये ऊपर की लेयर अगर उठाओगे तो ये फिश है, तो पानी वो मुंह से लेगी, लेकिन यहाँ पर उसके एक ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना रहेगा, पूरा फ्लैप है, फ्लैप के नीचे इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो वो पानी क्यों पीती है मछली? तो मछली पानी पिएगी और फिर उसके बाद ये जो गिल से हो करके जाएगा, तो दैट इज विल बी, यहाँ से फिर वो पानी निकल जाएगा। अच्छा, वाटर जो वो मुंह से लेती है, क्या उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व है? अच्छा, O2 डिजॉल्व है। और ये जो गिल है, गिल के दूसरी तरफ ब्लड भरा हुआ है, तो ब्लड क्या करेगी? जब गिल के थ्रू वाटर जाएगा, तो क्या वो उस फ्रेश वाटर से या ऑक्सीजनेटेड वाटर से CO2 एक्सचेंज कर लेगी और O2 ले लेगी क्या? क्योंकि ये जो वाटर निकल, ये जा रहा है मुंह से, वो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड है क्या? और जो यहाँ से निकल रहा है वो कैसा है? जनेटेड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड वाटर है। तो इस गिल के दूसरी तरफ अगर देखा जाए, तो दूसरी तरफ ब्लड भरा हुआ है। वैसे इसमें भी जो हार्ट होगा वो टू चैम्बर हार्ट होगा। सो लेट अस सी कि किस तरीके से इनमें गिल स्ट्रक्चर होगा फिश में, तो वो चीज़ हम देख लें। तो ये देखिए कि इन ये है, इस तरीके से फ्लैप उठाया जा सकता है। नाउ लेट अस सी हाउ द गिल्स लुक लाइक। ये गिल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है? हाउ द गिल्स लुक लाइक। तो पानी यहाँ से होके जाएगा, दूसरी तरफ ब्लड भरा हुआ है। तो इसके दूसरी तरफ ब्लड भरा है, तो इसमें डिफ्यूजन होगा, ठीक है? बल्कि कई लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड है। नीचे भी देख रहे हैं कि नहीं आप? We say it's got a large surface area, so lots and lots of, well, it's about having lots and lots of surface, so lots and lots of capillaries are in contact with the water. And the water runs over the gills, and oxygen, well, we want oxygen to go in, don't we? So the water runs over the gills, and because there's more oxygen in the water than there is in the blood, the oxygen moves in through the gills into the capillaries, and then it gets taken around the body. But can you see through into the mouth? Yeah. Okay. If I turn around this way. Now, जिस देश में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, अब देखो। Hello, and welcome to Samples for Schools Fish Dissection. This dissection aims to look at the fish gills and how they're using gas exchange. I'm going to be dissecting an entire mackerel. Your sample the gill cover, forcing the water over the gill. So we can show the direction of the water movement by opening up the mouth structure and watching the flow out through the gill cover. The direction of water is maintained by the opening and closing of the fish mouth flow out through the gill cover. The direction of water is maintained by the opening and closing of the fish mouth, which can change the pressure inside the buccal cavity. The floor of the mouth can move up and down
to increase the pressure and force the water down through the gills. To examine the fish gills, we can remove the gill flap, the operculum, and this can be done simply by cutting down with the scalpel. Wow. Once the operculum has been removed, we can see the full gill structure underneath. You can then make incisions to remove this entirely as well. हाँ अभी देखो ये गिल आप देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ गिल का डाइसेक्शन किया जा रहा है. Now you can see clearly the gills. हाँ थोड़ा सा आप स्टार्टिंग से देख लो. अगर पानी डालेंगे तो in order for the fish to obtain oxygen from the water, I'm going to be dissecting an entire mackerel. Your sample can be of a larger fish and just the head if you'd prefer. In order for the fish to obtain oxygen from the water, it takes water in through its mouth and out through the operculum, the gill cover, forcing the water over the gill. So we can show the direction of the water movement by opening up the mouth structure and watching the flow out through the gill cover. The direction of water is maintained by the opening and closing of the fish mouth, which can change the pressure inside the buccal cavity. The floor of the mouth can move up and down to increase the pressure and force the water down through the gills. To examine the fish gills, we can remove the gill flap, the operculum, and this can be done simply by cutting down with the scalpel. तो ये जो गिल है इसके बाद ये गिल दिखाएंगी तो किस तरीके से गिल होता है ये गिल का स्ट्रक्चर. Once the operculum has been removed, we can see the full gill structure underneath. You can then make incisions to remove this entirely as well. तो let us see the gill. क्या माउथ से खाएंगे जैसे भाई हमारा जैसे बकल कैविटी और नोसल नेस्टल कैविटी है नेसल कैविटी मिक्स हो जाता है एक जगह फेरिंग्स में ऐसे इनका भी है तो इनके खान जब ये खाना खाएंगी तो इनके गट में जाएगा और बाकी पानी पिएंगी तो यहाँ से निकल जाएगा एक कॉमन है पैसेज. The structure of the gills are made up of these gill filaments which increase surface area for gas exchange and are held by the gill arch. When the fish gills are in air, you can see that the filaments clump together and it has a reduced surface area. So they are having gill bhi hoga aur gill flap bhi hoga. Ye jo cheez maine banayi hai ye kya hai? Gill cover bhi keh sakte ho ya flap. Aur ye kaisa system hai? Gill ke dusri taraf blood bhara hai aur ek taraf ye jo pani piyegi to wo pani isme se hota hua ye gill se chala jayega. To isliye जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोई फिश बनाई है ये एक टैंक में आप लोग जैसे आर्ट बनाते हो ना कभी कभी तो फिश बनाते हो ऐसे ऐसे तो ऐसे फिश बनाते हो फिर ऐसे निकालते हुए दिखाते हो तो जिसमें आपने ये नहीं दिखाया पानी निकलते हुए वो मछली मरी हुई मानी जाएगी क्योंकि वो रेस्पिरेशन कर ही नहीं रही है तो फिर वो मरी मानी जाएगी. इसलिए हम लोग जो है डेलिब्रेटली दिखाते हैं कि देख लें कोई मरी हुई तो नहीं है तो इसलिए ये सब दिखाना पड़ता है. अब देखो कि नाउ सो दिस इज गिल स्ट्रक्चर हो गया. इन केस ऑफ फिश तो पूछा जाता है In case of fish, it takes oxygenated water from mouth. It passes through gill structure
deoxygenated blood comes out from gill flare. Deoxygenated blood. ये वाटर डीऑक्सीजनेटेड वाटर कहाँ से निकल आएगा? कम्स आउट थ्रू गिल फ्लैप. सो गिल क्या है? गिल इज मल्टी फोल्डेड सिंगल लेयर, सिंगल यूनिसेलुलर लेयर है. सो सिंगल सेल थिक स्ट्रक्चर. मतलब मल्टी फोल्डेड है, यानी अगर देखो तो जो गिल का स्ट्रक्चर है, यहाँ से इसमें ब्लड आएगा और ये बहुत फोल्डेड है और फोल्डेड ओके है और इसमें से ब्लड आ रहा है और ब्लड भरा हुआ है और ब्लड भरा हुआ है तो एक तरफ ब्लड भरा हुआ है और वो ब्लड फिर यहाँ से चला जाएगा. ये गिल का स्ट्रक्चर है और इसमें जब ब्लड आएगा तो फिश क्या करेगी? सिंगल लेयर है, एक सेल थिक, ज़्यादा मोटा नहीं है. जितनी एक सेल थिक होती है ना सेलुलर मेम्ब्रेन, सिर्फ उतना ही मोटा है. तो इसमें ब्लड ऐसे भर के और बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होकर जाएगा, जैसे अभी हमने देखा वीडियो में भी, तो आइडिया लग गया होगा. तो अब इसमें जो ब्लड है वो पास होता जा रहा है, एक तरफ से हार्ट ने इसे पंप किया, हार्ट ने पंप किया है तो ये नहीं कि इसके अंदर ब्लड रुका है. सो इट इज़ अंडर प्रेशर आ रहा है और ये डीऑक्सीजनेटेड है और यहाँ से जो निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. और इसके अलावा अब ये फिश है और तो ये फिश का माउथ है, ये फिश का माउथ है. तो अब ये फिश क्या करेगी? मुंह से जो पानी लेगी तो वो वाटर इसके यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ये वाटर है तो वो क्या इस तरफ वाटर नहीं होगा? बोलो. तो डिफ्यूजन का प्रोसेस हो जाएगा कि नहीं? बोलो. हाँ जब आएगा फिर ऑक्सीजन यहाँ से लेगा, फिर तभी तो ऑक्सीजनेटेड होके निकलेगा. जो पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है क्या वो ऑक्सीजनेटेड है पहले से? बोलो. हार्ट टू चैम्बर्ड होता है तो वहाँ पर जाएगा ब्लड, फिर वहाँ से पूरी बॉडी में भेज दिया जाएगा. तो हम वो बाद में देखेंगे, अभी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कि फिश में टू चैम्बर्ड होता है. लेकिन अभी ये देखो, पानी जो इसने लिया तो उसने वाटर, ब्लड ने वाटर को क्या दिया? क्या CO2? और वाटर से लिया क्या? O2. तो जब वाटर से O2 ले लेगी तो फिर ये कैसा ब्लड बन जाएगा? बोलो. ऑक्सीजनेटेड. जब गिल से पास होगी कोई चीज तो ही तो ऑक्सीजनेटेड होगी. ये देखो, ये गिल का स्ट्रक्चर है. तो फिश मुंह से पानी लेगी तो वो पानी कैसा है? माउथ से. और ये गिल है तो गिल के थ्रू जब पानी जाएगा तब डी ऑक्सीजनेटर होकर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन कौन ले लेगा? ये गिल अभी दिखाया कि नहीं बताओ? तो ये फिश में ऐसे होता है. सो इन दिस वे इट इज़ यूनिसेलुलर मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर. मल्टी फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाया कि नहीं है? और यूनिसेलुलर तो ये क्या करेगा? ब्लड इज पम्प्ड इन टू गिल्स बाई हार्ट. कौन इसमें ब्लड पम्प कर रहा है बताओ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू गिल्स By heart. हमारे जो हम लोगों का हार्ट है, जैसे ये हम लोगों का हार्ट है, तो हम लोगों के हार्ट में कई चैम्बर हैं, 4 chambered हार्ट है ये जैसे. और जबकि इनके में क्या होगा? इनके में 2 chambered हार्ट है. जैसे हम लोगों में एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर खुला, ये एक चैम्बर बंद हो गया. इस तरीके से दूसरा चैम्बर खुला, ये दूसरा चैम्बर है.
ये बंद हो गया। फिर इसी तरीके से दो चैम्बर, ये एक ये चैम्बर खुला, ये बंद हो गया। फिर इधर एक चैम्बर खुला, ये तो चार चैम्बर दिखाए कि नहीं? हाँ, ह्यूमन हार्ट में बोलो, फिर से देख लो। एक 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 और फिश में कितना होगा? एक खोला, दो खोला, दो खुल गए और तीसरा खुला और चौथा खुला, चार खुले कि नहीं हमारे ह्यूमन हार्ट में? बोलो, बताओ। एक बंद, दो बंद, तीन बंद, चार बंद, बोलो चार बंद किए। लेकिन फिश में कितने चैम्बर डार्ट है बताओ? वो भी हम बाद में बताएंगे, जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ेंगे तब फिश का बताएंगे। सो उसने अब ये गिल, इसके ऊपर फ्लैप है, यानी ये जो गिल्स अंदर सिस्टम है, सो इट इज़, अभी आपने वीडियो देखा ना, गिल के ऊपर एक कवर है, गिल फ्लैप, बस वो पानी वहाँ बस निकलता चला जाएगा। ओके, सो गिल के ऊपर फिश की एक कवरिंग है, बस इतनी समझ लो बात। तो ये जैसे फिश है, तो ये इसका फिश का फ्लैप है और इसके नीचे गिल छिपी हुई है। तो ये जो पानी गया और ये पूरा फिश है, तो इसमें से फिर यहीं से पानी, ये कहीं से निकलेगा, ये सब पानी बह जाएगा। गिल उठा लो, तो समझ में आ गई बात कि नहीं? ये चीज हो गई। नाउ आप देखो कि तो गिल जब पंप होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो फिर क्या होगा? इट पासेस थ्रू गिल्स एंड बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा? इट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड टू गिल्स बाय हार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हियर एट गिल साइट। गिल साइट में क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ठीक है, ओ टू डिफ्यूजेज इन टू, ओ टू डिफ्यूजेज इन टू ब्लड एंड सी ओ टू डिफ्यूजेज आउट ऑफ द ब्लड एज, ठीक है, एंड डीऑक्सीजनेटेड वाटर कम्स आउट थ्रू गिल फ्लैप, ये हमने पहले लिखा दिया है। अब जरा देखो, एज देयर इज वेरी लेस ओ टू डिजॉल्व, सॉल्युबिलिटी बहुत कम है पानी में, डिजॉल्व इन वाटर, पानी में सॉल्युबिलिटी इसकी कम है। और अगर गर्मी होती है, अगर ठंडी पेप्सी है, तो क्या उसमें CO2 ज़्यादा डिजॉल्व होगी? ठंडा कोका कोला पिया है, और अगर उबाल दो तो थोड़ी भी CO2 रह जाएगी कि सारी गैस निकल जाएगी? पेप्सी को उबाल दो, बोलो, सारी गैस निकल जाती कि नहीं? और अगर ठंडा पानी है तो उसमें O2 या गैसेस ज़्यादा डिजॉल्व होती हैं, तो फिश किस में कम्फर्टेबल है, ठंडे पानी में कि गर्म पानी में? ठंडे में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, इसीलिए पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ा या घटा, 2 डिग्री बढ़ गया, सारी मछलियाँ तालाब के किनारे मरी मिलेंगी। सो वेरी लेस ओ टू डिजॉल्व इन वाटर, सो दे हैव टू ब्रीथ फास्ट, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, जल्दी जल्दी ब्लड भेजना पड़ता है। और जितनी फास्ट ब्रीदिंग होगी तो लाइफ उतनी लंबी होगी कि छोटी? छोटी, कछुआ सबसे धीरे सांस लेता है, 300 साल जिंदा रहता है। सो ब्रीथ फास्ट, सो और इस वजह से देन ऑल्सो दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, तब भी वो अपने बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि इतनी तो एनर्जी मिलेगी नहीं, क्या इतना तेज रेस्पिरेशन कर लेंगी? ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो बताओ वो रेस्पिरेशन कर पाएंगी या एनर्जी निकाल पाएंगी? बड़े ही कितनी मछलियाँ खा लें, मछलियों को जानते हो कितना दाना डाला जाता है? ज़्यादा दाना डाल दो, जिसके घर में एक्वेरियम है सब मरी मछलियाँ मिलेंगी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, और तुमने दाना ज़्यादा डाल दिया वो खा लेंगी ज़्यादा, और फिर वो पचेगा नहीं, ऐसे ही मर जाएंगे। इसलिए वो बोलता है कि बिल्कुल 4 या 6 दाने से ज़्यादा मत डालो डेली, जिसके यहाँ एक्वेरियम है वो जानते होंगे। बोलो,
वो उसी खाने में ही कार्बोहाइड्रेट है. सो दे हैव टू ब्रीथ फास्ट देन ऑल्सो. उसके बाद भी क्या होता है, दे हैव स्लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन. क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो स्लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन से क्या होगा, लेस एनर्जी इज रिलीज. एनर्जी ज्यादा निकलेगी कि कम निकलेगी, रेस्पिरेशन. एंड देयर इज लेस रिलीज इन एनर्जी. सो क्या वो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है, जो उनकी होमियोस्टेसिस है, क्या वो मेंटेन रह पाती है, क्या उनकी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर रह पाता है. सो देयर बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट. रह पाएगा क्या, बोलो. सो उनकी थर्मोस्टेसिस है बॉडी का टेम्परेचर, वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा. सो देयर बॉडी टेम्परेचर इज सेम एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जैसे बाहर है पानी अगर 4 डिग्री का, तो इनका भी बॉडी का टेम्परेचर 4 ही डिग्री रहेगा. ये ज़्यादा हीट नहीं जनरेट कर पाती. सो देयर बॉडी टेम्परेचर इज सेम एज जो भी है टेम्परेचर ऑफ वाटर. तो इसलिए इन्हें कैसा कहेंगे, कोल्ड ब्लडेड की वार्म ब्लडेड. हाँ, टेम्परेचर ऑफ वाटर इसलिए सो दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल. ठीक है, दे हैव टू ड्यूरिंग बिटर कोल्ड टाइम, काटने वाली जो सर्दी होती है. सो ड्यूरिंग बिटर कोल्ड टेम्परेचर, जो बिटर कोल्ड ड्यूरेशन होता है टाइम, दे हैव टू गो, दे हैव टू सस्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ प्रोसेसेस. सस्पेंड क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है. मोस्ट ऑफ देयर लाइफ प्रोसेसेस सारे लाइफ प्रोसेसेस एक्सेप्ट स्लो ब्रीदिंग. तो सिर्फ वो स्लो ब्रीदिंग कर पाएंगी, स्लो ब्रीदिंग. अदर कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या है बताइए. ब्लडेड एनिमल्स आर. अच्छा, कुछ लोग क्या ये भी सोच रहे हैं कि उनके कोल्ड ब्लडेड होने का कारण उनका 2-chambered हार्ट है क्या, आर रेप्टाइल्स. क्योंकि जो ब्लड जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड उनका सब मिक्स हो जाता है, तो उनके सारे बॉडी पार्ट्स में प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता. जबकि हमारा 4-chambered हार्ट होने की वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड सब अलग अलग है और सही सही ब्लड पहुंच रहा है प्योर ऑक्सीजनेटेड. तो हमारे हार्ट की एफिशिएंसी ज़्यादा हुई कि नहीं, 4 chambers हैं, ऑक्सीजनेटेड अलग डीऑक्सीजनेटेड अलग, यहाँ से आया फिर यहाँ से इसमें आया. ठीक है, तो यहाँ से जब ब्लड पूरी जगह इकट्ठा आया तो फिर यहाँ पर पहुँचा तो पहले सबसे ऊपर के चैम्बर में आया. ठीक है, एट्रियोल, फिर वेंट्रिकल में आया, फिर इसने भेजा पल्मोनरी में जाओ तुम ऑक्सीजनेटेड होके आओ, ऑक्सीजनेटेड होके यहाँ गिरा, फिर ये जब नीचे आया तो इसने पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड पंप कर दिया. 4 है ना, तो देखो 2 यहाँ पर ये एट्रियोल है और 2 नीचे वेंट्रिकल है. तो पहले पूरी बॉडी से आया, क्या वो डी ऑक्सीजनेटेड था, इसीलिए इसे नीला दिखाया गया, बोलो. फिर क्या, जब यहाँ से आया तो यहाँ पहले गिरा और ये भर गया, भरने के बाद ये दबा, तो दबने के बाद क्या नीचे ही इकट्ठा हो गया. तो ये हमारा 2 हाथ हैं, तो अब ये नीचे से ढक 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 ऐसे होता है हार्ट में, ढक 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 ढक. तो जब ये नीचे से दबा ढक,
तो क्या ये ब्लड चला गया पल्मोनरी में, लंग में? जब नीचे का दबा तो ब्लड कहाँ चला गया? लंग्स में। और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके आया तो क्या ये लाल है? ये देख लो, रेड रेड पूरा दिखाया गया, इसमें यहाँ भी रेड दिखा दिया और यहाँ ब्लू ब्लू सब दिखाया गया, पूरा ब्लू डीऑक्सीजनेटेड आया। बोलो समझ में आ गई बात? और यहाँ रेड नहीं दिख रहा, तो रेड आया। अब पल्मोनरी से वो आ गया, बोला मैं आ गया हूँ ऑक्सीजनेटेड हो गए। तो जब इसमें भर गया तो यहाँ से नीचे गिरा और फिर इस ये जब दबा तो फिर ये हमारी बॉडी में जो रेड रेड दिख रहा है यहाँ, ये सब रेड रेड यहाँ से आउल्टा से फिर ये गया ऑक्सीजनेटेड। तो बोलो फुल एफिशिएंसी के साथ गया कि नहीं? और जिसके दो ही चैम्बर हर्ट होगा तो क्या वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को अलग कर पाएगा? और जब अलग ही नहीं कर पाएगा तो वो कहाँ से वार्म ब्लडेड होगा? बोलो। सो अदर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स हैं, एंड एम्फीबियंस, मेंढक। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन है? जिनके फोर चैम्बर हर्ट होता है। सर, पर उनको अपने कौन से लाइफ प्रोसेसेस? बोलो। चुपचाप सांप पड़ा रहेगा लकड़ी की तरह, उठा दो सर्दियों में लकड़ी जैसे लाठी की तरह पड़ा रहेगा, उससे चलो सांप पकड़ के। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर बर्ड्स, एविस होते हैं। कौन होते हैं? आर एविस का छिपकलियां दिखती हैं सर्दियों में? बर्ड्स एंड और हम लोग भी रहते हैं। मैमल्स, मैमल्स भी होते हैं क्या? मरते नहीं है, हिबरनेशन में चले जाते हैं, कहीं बस चुपचाप पड़े रहते हैं, हिबरनेशन में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। मरते तब तो स्पीसीज ही खत्म हो जाती। तो हम लोग जो हैं, जिनके ज़्यादा चैम्बर हर्ट होता है उनमें ये बात होती है कि हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। तो वी वर्क विथ फुल एफिशिएंसी, ठीक है, एट ऑल द टाइम। तो हमारे अंदर एफिशिएंसी है ब्लड की, मुख्य रीजन ये भी है एफिशिएंसी की भी बात है कि किसके अंदर कितना चैम्बर्ड हर्ट है। सो अब यहाँ पर आगे हम देखें कि हाउ द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अर्थवॉर्म, क्वेश्चन पूछा गया। फिश का समझ में आ गया? हाउ रेस्पिरेशन takes place in earthworm. So earthworm में किस तरीके से respiration होगा? So now let us see. respiration in earthworm. So उनमें एक मॉइस्ट स्किन होती है, बहुत पतली होती है। सो मॉइस्ट स्किन के थ्रू वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं। लेट अस सी। नाउ ये देखिए, रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म, बॉडी सरफेस इज एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज ऑफ आउटर एपिडर्मिस एंड सरफेस फिल्म ऑफ CO2 निकलता रहता है, ये सिर्फ स्किन से हो रहा है। excreted waste and cellulomic fluid. Hemoglobin dissolved in plasma of blood act as a respiratory pigment, transporting O2 to the body tissue. तो इस तरीके से हमने देखा कि उनके जो स्किन है, दैट स्किन में इस तरीके से होता है। ये जो अर्थ वॉर्म है तो इसकी स्किन सिंगल लेयर्ड होती है और इसी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सो ऑल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन दिस वाया अर्थ वॉर्म में
ऐसे होता है। मुझे एक बार दिखाना होता है। ओके रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ डेथ यू नो डेथ हैज नो स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक लंग्स और किड्स। इसमें कोई लंग्स नहीं होता है। लंग्स मरे किड्स मरे यू नो द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस த்ரூ த பாடி வால். ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி நடக்குதுன்னா பாடி வால் வழியாக தான் நடக்குது. த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்கின் இஸ் ரிச்லி சப்ளைடு வித் பிளட் கேபிலரிஸ் விச் எய்ட் இஸ் த டிஃப்யூஷன் ஆஃப் கேசஸ். அதாவது அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஸ்கின் வந்து அதில் அதிகப்படியான பிளட் கேபிலரிஸ் இருக்கும். ஒரு முக்கியமான எய்ம் என்னன்னு கேட்டால் கேசஸ் வந்து டிஃப்யூஷன் பண்ணுறது தான். இன்னும் ஆக்சிஜன் டிஃப்யூஸ் த்ரூ த ஸ்கின் இன் டு த பிளட் सेम टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव वही काम की है। ज़्यादा हमें इसके बारे में नहीं देखना है बट जो आने वाला है वो बता दे रहे हैं। सो जो इनकी आउटर सरफेस है दैट इज फुल ऑफ कैपिलरीज, उसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं और उसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजेज इन टू द ब्लड। तो ये जो अर्थ वॉर्म है इसकी मॉइस्ट स्किन होती है एंड ए गुड ब्लड सप्लाई, स्किन में ब्लड सप्लाई खूब अच्छी होती है। अर्थ वॉर्म हैज थिन भी होती है और मॉइस्ट स्किन होती है विद ए नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बहुत सारी वहाँ ब्लड कैपिलरीज उसके स्किन तक पहुँच जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज। सो देयर इज वहाँ पर क्या है, गुड ब्लड सप्लाई अप टू स्किन। ठीक है, गुड ब्लड सप्लाई अप टू स्किन, तो वहाँ पर गुड ब्लड सप्लाई है। एंड ब्लड ओ टू डिफ्यूजेज इन टू ब्लड थ्रू स्किन एंड डिफ्यूजेज आउट। और क्या चीज डिफ्यूजेज आउट होती है बताओ? CO2 diffuses out to air। इतनी बात समझ में आ गई? इससे ज़्यादा नहीं समझना है कि बस उसकी स्किन बहुत पतली होती है, उसमें ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा होती हैं और वहाँ से ये काम होता है। ओके ठीक है। नाउ अब ये तो हमने बता ही दिया था कि ग्रास होपर में क्या चीज़ होती है सीजन जिसके थ्रू वो सांस लेता है। इंसेक्ट जो कोई भी इंसेक्ट स्पाइरेकल्स होते हैं उनकी स्किन में छोटे छोटे छेद होते हैं। सो हाउ इंसेक्ट्स ठीक है परफॉर्म रेस्पिरेशन, इनमें भी कोई लंग्स नहीं है, फिश में भी कोई लंग्स नहीं है, इंसेक्ट्स में भी कोई लंग्स नहीं है। ठीक है, इंसेक्ट्स डू नॉट have well developed respiratory system, well developed respiratory organ नहीं होते हैं। respiratory जैसे हमारे अंदर lungs हैं, trachea है, वैसे इनमें नहीं होते हैं। so organs, however they have holes on their folded skin structure, folded skin structure, उनका जो शरीर है वो folded होता है, खंड खंड, जैसे earthworm में नहीं होती है segmented body, इसको क्या कहते हैं? तो कोई भी अगर insect है तो उसका segmented body part है, तो नीचे की ओर इस तरीके से segmented body part है, ये इसका mouth है और इस तरीके से होगा। so folded skin structure उनमें होल है, यानी सेगमेंटेशन में सेगमेंटेड बॉडी है।
और एक और प्रॉपर्टी है, एंड ब्लड इज फिल्ड इनसाइड इन, इनके अंदर वाइट ब्लड फिल्ड होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो एरिस्टोटल ने शुरुआती क्लासिफिकेशन किया था तो वाइट ब्लडेड और रेड ब्लडेड दो करके किया था, तो इंसेक्ट इस कैटेगरी में आ गए थे वाइट ब्लडेड, इनके अंदर वाइट ब्लड भरा होता है, चाहे इसमें देख लो चाहे कॉकरोच को, काकरोच को कभी अगर मारा हो किसी ने देखा हो तो वाइट वाइट निकलता है उसके अंदर से। सो इस तरीके से स्किन स्ट्रक्चर ऑन देयर फोल्डेड बॉडी स्ट्रक्चर में उनमें होल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड उसे क्या कहेंगे, स्पाइरेकल्स, ठीक है। ब्लड इज फिल्ड इनसाइड देयर बॉडी, ब्लड इज फिल्ड इनसाइड देयर बॉडी, एंड ये देयर ऑक्सीजन डिमांड ऑफ रेस्पिरेशन इज फुलफिल्ड थ्रू डिफ्यूजन, एंड ऑक्सीजन डिमांड इज फुलफिल्ड थ्रू बाई डिफ्यूजन थ्रू स्पाइरेकल्स। तो ये जो ऑक्सीजन डिमांड है वो कैसे फुलफिल हुई, बाई डिफ्यूजन थ्रू स्पाइरेकल्स। अब देखो, सो ये स्पाइरेकल्स ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ छेद छेद ही हैं, ये अंदर जा करके फिर न जाने ब्लड में कहाँ कहाँ तक एक कैपिलरी जैसा नेटवर्क बना लेते हैं। ये तो स्पाइरेकल हो गए जो छोटे छोटे छेद हो गए, ये है ग्रास होपर टिड्डा, तो ये ग्रास होपर है, ग्रास होपर में स्पाइरेकल्स पाए गए सेगमेंटेड बॉडी में, और वही स्पाइरेकल अंदर देखो पीछे कहाँ जा रहे हैं, क्या अंदर अंदर तक पूरा नेटवर्क बनाए हुए हैं, अंदर तक पूरे ब्लड में हवा हवा पहुँचा देंगे, बोलो। So, इस तरीके से ट्रैकिया ब्रांचिंग सिस्टम बना देते हैं अंदर और सब जगह ब्लड पहुंचा देते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें डिफ्यूजन इज इनसफिशियंट टू फुलफिल देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, सो इसलिए हम लोगों की बॉडी में क्या होता है, नाउ इन लार्ज या मल्टी सेलुलर लार्ज एनिमल्स डिफ्यूजन इज इनसफिशियंट टू मीट देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। So, they need well-developed respiratory system क्या फ्रॉग का नहीं, अमीबा का आएगा, अमीबा का लिखा देंगे, फ्रॉग का नहीं दिया है आपके में, फ्रॉग का पूछा नहीं जाता, फ्रॉग में जो ये है, अब हम आते हैं दैट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, तो हम लोगों में डिफ्यूजन से नहीं हो सकता है, तो वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होना चाहिए एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी होने चाहिए, एंड आल्सो वी नीड रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है हमारे अंदर, बोलो, हीमोग्लोबिन, हाँ, आल्सो वी नीड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो हमें लंग्स तो चाहिए लेकिन ऐसी भी कोई चीज चाहिए जो ब्लड को ऑक्सीजन को ट्रैप कर ले, दिस इज हीमोग्लोबिन। तो हमारे ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हीमो का मतलब क्या होता है, क्या रेड होता है, और ग्लोब्यून का मतलब क्या होता है, क्या स्फेरिकल, तो रेड स्फीयर जिसको कि हम लोग आरबीसी कहते हैं, इट इज प्रेजेंट इन आरबीसी, ये किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट
इन आरबीसी, उसमें आयरन होता है, आयरन की वजह से रेड है, हैं इन। अब ये कोई आंसर नहीं है, इट इज़ ए काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन सो दैट वी कैन रीच टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हीमोग्लोबिन के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि वाई द डिफ्यूजन इज इनसफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिकॉज डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे देयर एवरी सेल इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द एटमोसफियर, हैंस टू मेक रीच ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेल वी नीड ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन। इट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पसल्स, तो या इसे कहते हैं आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं में प्रेजेंट है। इट हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ये ग्रिप कर लेता है, 300 गुना ज्यादा एफिनिटी है दूसरे किसी गैसेस से, CO2 से 300 गुना ज्यादा। इसको ऑक्सीजन दिखी नहीं कि चारों तरफ से पकड़ लेता है ऑक्सीजन को, और पकड़ के कहां तक ले जाता है? क्या ये सेल तक ले जाएगा, वहां छोड़ देगा? सो ये हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। सो हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी दूसरी गैसेस से 300 गुना ज्यादा affinity for O2, it grips, ये क्या करेगा? O2 from pulmonary side, pulmonary side किसे कहते हैं? Lungs को। Affinity का मतलब क्या होता है? बोलो। affinity का मतलब है attraction, attachment. अट्रैक्शन, जैसे क्लोरीन में क्या इलेक्ट्रॉन के प्रति अफिनिटी है, वो उसे ग्रहण करके Cl- क्लोराइड आयन बना देता है। बोलो, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है कि नहीं? तो इसलिए द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नॉन मेटल इज मोर, और वही इलेक्ट्रॉन के प्रति मेटल में अफिनिटी है ही नहीं, छोड़ देते हैं। जिस माँ बाप को अपने बच्चे के प्रति एफिनिटी ना हो, वो जाके उसको डलिया में रख के पानी में डाल दें, और जिसमें एफिनिटी हो वो उसे पाले पोसे, अच्छे स्कूल में पढ़ाए। बोलो, जानते हो कि नहीं? सो फ्रॉम पल्मोनरी साइट एंड रिलीज कहाँ करेगा बताओ? एट सेलुलर साइट। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना चाहिए कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो आरबीसी में है, जो कि उसे रेड बनाए रखता है। जितना हीमोग्लोबिन होगा, जितना हीमोग्लोबिन की परसेंटेज होनी चाहिए, जो कि 13.5 से लेके 15 होनी चाहिए हम लोगों की बॉडी में परसेंटेज, तो जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा भूख लगेगी। और जिसको मान लीजिए भूख नहीं लगती है, उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं वो ले जाएगा, तो जिसके अंदर आरबीसी की कमी होगी, जिसने पालक नहीं खाई या जिसने पोमग्रेनेट नहीं खाया, अनार या सब्जियां नहीं खाई, तो ऐसे केस में हीमोग्लोबिन नहीं होगा। अच्छा, आपने सुबह जो खाया है वो शाम तक नहीं पचेगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन ले जाने वाला कोई नहीं रहेगा तो ये जो ग्लूकोज है क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया में डाइजेस्ट हो पाएगा? तो वो ना दोपहर में भूख लगेगी ना रात को। और ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जिसमें आयरन की कमी होती है, जिसको भूख नहीं लगती है, जिसका चेहरा पीला पड़ जाता है, उसको कहेंगे कि इसको एनीमिया हो गया है, इसमें पीलापन आ गया है, क्योंकि उसकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई, फिर वो आयरन की टेबलेट खाता है। तो इतनी बात तो आपको पता चल गई ना। नाउ अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन कैसे होता है, ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होता है। बाकी तो हमने सब चीज़ें देख ली। अमीबा के बारे में तो रेस्पिरेशन आप लिख ही लोगे कि वो क्या करता है, सेल के थ्रू ये डिफ्यूज़ करता है वाटर से। बोलो, है आसान कि नहीं अमीबा का? ये उसमें तो कुछ नहीं है, बस सेल के द्वारा बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ले लेता है। अगर बुक में ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम भी बता देंगे, वरना आइडिया तो जनरली है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन,
Now, the breathing. Okay. So the main in human being, जो respiration takes place होता है the in respiratory system of human being. हम लोगों में well developed respiratory system है. मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं? मेन ऑर्गन्स आर नोज. नोज से पहले अंदर जाएगी, फिर नेसल पैसेज है. नेसल पैसेज, नोज को नॉस्ट्रिल भी कह सकते हो. नेसल पैसेज यानी नेसल कैविटी भी कह सकते हो. एंड देन इसके अलावा ट्रैकिया है. ट्रैकिया का दूसरा क्या नाम है? क्या ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं? तो दैट इज ट्रैकिया. अब देखो, इसके अलावा ब्रोंकाई है, लंग्स एंड डायाफ्राम, ये सारा चीज है. अवर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये क्या है? आर एनकेज्ड इनटू रिब केज. ये किसमें इनकेज्ड हैं? मोस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एनकेज्ड इन रिब केज. जस्ट होल्ड. Now, दिखाई पड़ रहा है? लाइट चली गई है. बोलो, दिखाई पड़ रहा है ना? सर ने वापस फ्लिप किया क्या? हैं? अभी दिखाई पड़ रहा है? सो अवर मोस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एनकेज्ड इन रिब केज एंड लोकेटेड. कहाँ लोकेटेड हैं? इन थोरासिक कैविटी. तो ये थोरासिक कैविटी में है. जैसे कि नाउ लाइक दिस इज नेसल कैविटी. तो नेसल कैविटी से फिर इसके बाद बकल कैविटी आएगी एंड बकल कैविटी के बाद सर लाइट गई सर. क्या लाइट गई सर? लाइट चली गई.
अब देखो, सर थोड़ा लेफ्ट में करना। हाँ अभी मैं ठीक करता हूँ। सर पेपर को लेफ्ट में कर दो, मतलब राइट की तरफ थोड़ा कर। अभी ठीक है, दिख रहा है? सो लो लो राइट, अभी ठीक है? यस सर ठीक था। चलो नाउ इट इज लाइक दिस। तो ये नेसल कैविटी है और नेसल कैविटी के साथ साथ ये यहाँ से मुंह से भी एक कैविटी आएगी, वो कौन सी होगी? दैट इज बकल कैविटी। और ये दोनों मिल जाएंगी आगे चलकर। तो ये देखो मिल गई। नाउ दे आर ज्वाइंड। ज्वाइन होने के बाद अब इसमें से एक कहाँ चली गई आगे? वन ऑफ इट विल, यहाँ से एक चली जाएगी इसोफेगस में और एक कहाँ चली जाएगी? तो ये देखो ये गई खाने के लिए, और लेकिन एक आगे यहाँ से ऐसे इस तरीके से। नाउ दिस वन ऑफ दिस इज गोज थ्रू लंग्स, यहाँ से ये दोनों मिल गई, और मिलने के बाद एक चली गई टू इसोफेगस। और दूसरी दैट इज फूड पाइप, फूड, और दूसरी कहाँ चली गई? दैट इज ये आ गई लंग्स में। अच्छा लंग्स में अगर आपने कभी ऐसा किया है कि बैलून को, फटे हुए बैलून को बहुत तेजी से फूका हो, ये मान लीजिए बैलून है और फटा हुआ बैलून है, और फूकोगे तो क्या फड़फड़ फड़फड़ करेगा? yes, तो ऐसा क्यों करता है इस तरीके से? नाउ अब देखो, सो वाई इट इज मेकिंग सो, क्योंकि जब हवा किसी में तेजी से पास होगी देन इट गेट कोलैप्स, ये क्या हो जाएगा? अगर मैं दो पेजेस के बीच में इफ अगर मैं हवा पास करूं तो वो पेज आपस में क्या हो जाएंगे? मान लीजिए कि लाइक जैसे दो पेज मैं लेता हूं और ये, ठीक है, ये दो पेज ले लिए हमने। अब दो पेज के बीच में अगर मैं फूकूंगा तो क्या होगा? क्या ये पेज आपस में और चिपक जाएंगे? या दो बैलून को फूकोगे तो क्या होगा? उनके बीच वो और चिपक जाएंगे। तो जैसे मैं ये दो पेज के बीच में फूक रहा हूं तो ये चिपक जाएंगे। तो ये जैसे कर रहा हूं तो मैं इसको इस तरीके से दिखाता हूँ वीडियो से। तो इफ टू बैलून्स आर, इफ वी ब्लो एयर बिटवीन टू बैलून्स, तो क्या होता है? सो देखिए, इफ एयर इज ब्लोन बिटवीन टू बैलून्स, सो वो बैलून पास आ जाते हैं, दूर नहीं जाएंगे। सो लेट अस सी this experiment. Have you seen videos or pictures of strong winds blowing away the rooftops of a hut? Do you know why does the roof blow up? Let us understand this through an activity. We have two balloons tied with strings and stuck at a height. What will happen if you blow between the balloons? Let's take a look. Unlike what we expect, the balloons तो बैलून क्या पास आ जाते हैं? Stick to each other when air is blown between them. बोलो. Why did this happen? तो जब भी कभी भी क्या होता है, ये जब लो प्रेशर हो जाता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा हवा हो तो वो एरिया लो प्रेशर हो जाता है। जैसे मान लो कि आपके घर में ये टीन शेड पड़ी है और इसके ऊपर से आंधी चलने लगे, बहुत सारी एयर चलने लगे, तो क्या ऊपर लो प्रेशर हो जाएगा क्या? और नीचे हाई प्रेशर हो जाएगा, तो क्या टीन की छत उड़ जाएगी? yes, तो ये हाई प्रेशर और ऊपर क्या है? लो
लो प्रेशर, तो जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर ये लो प्रेशर और ये अंदर हाई प्रेशर तो उड़ जाएगी। ज़रा ये देखो कि ये क्या चीज़ है कि मान लीजिए ये एयरक्राफ्ट हैं और ये एयरक्राफ्ट के विंग्स हैं और उधर भी विंग्स हैं, तो ये जो दो विंग्स हैं ये देखो, तो इनमें जब एयर आगे जाएगी तो ऊपर क्या वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसका ऐसा एरोडायनामिक एरोफॉइल शेप है तो बहुत पास पास से वेलोसिटी जाएगी, बहुत फास्ट होगी। और जबकि जो नीचे की होगी वो नीचे दूर दूर रहेंगे एयर के पैसेज, और ऊपर कैसे हो जाएंगे, दे विल बी नैरोवर। जरा यहाँ देख लो, तो यहाँ पर भी जो इसकी विंग्स हैं इसमें भी तो पास पास हो जाएंगे, तो इसमें क्या होगा बताओ, क्या ऊपर लो प्रेशर हो जाएगा किसी भी एयरक्राफ्ट में, तो लो प्रेशर होने की वजह से क्या पूरा जहाज ऊपर उठ जाएगा। जरा आप ये देखो कि अगर बहुत सारे पेज रखे हों और उन पेजेस में आप ऊपर से हवा करो तो क्या ऊपर का पन्ना उड़ जाता है, या पंखा चला दो तो बहुत सारे पेज खुले रखे हों, तो जब ऊपर से हवा गई बहुत सारी तो क्या ऊपर लो प्रेशर हो गया और उस लो प्रेशर को भरने के लिए पेज ऊपर उठा। इसी तरीके से जब मैंने यहाँ हवा डाली तो हवा डालने पे क्या हुआ बताओ, हवा डालने पे क्या अंदर लो प्रेशर हो गया और बाहर कैसा हो गया, क्या हाई प्रेशर हो गया, तो क्या ये पिचक गया बताओ, समझ में आ गई कि नहीं। तो विंड पाइप में जब नाक से हवा जाएगी तो क्या इसके कोलैप्स होने की संभावना है, पिचक जाएगा, क्योंकि तेजी से सांस ले रहे हो तो ये पिचक जाएगा ना, तो फिर सांस लंग्स तक कैसे पहुंचेगी, तब तो नहीं पहुंच पाएगी। जैसे कि आप ये देखो हार्ट ने, तो ये जो हम लोगों का ह्यूमन हार्ट है तो इस हार्ट ने क्या किया, सो दैट इज द टू चैम्बर हार्ट, सो ये हमारे अंदर हार्ट है और इसके ये चैम्बर है। हार्ट ने जब फोर्स से ब्लड भेजा और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल किसी के जमा है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है ना फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, दैट इज फैटी एसिड, तो अब इसने बड़ी तेजी से ब्लड भेजा तो बताओ क्या ब्लड यहाँ से जाएगा तो बहुत पतले पाइप से जाएगा और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अरे आप ये देख लो कि पानी के नल के आगे कब जब गमले में डालते हो तो क्या उंगली नहीं लगा लेते हो आगे उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए। अब जैसे आपने गार्डनर कोई देखो तो वो पाइप के आगे उंगली लगा देगा जिससे फवारा बड़ी दूर तक जाए, तो उसकी उंगली लगाने से क्या स्पीड बढ़ जाएगी, तो और जहाँ स्पीड बढ़ी तो क्या वहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, और लो प्रेशर होने से क्या ये दोनों और चिपक जाएंगे, तो क्या अब हार्ट को और तेजी से और पंप करना पड़ेगा इसको लगाने के लिए, बोलो भाई, जब ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट और मेहनत नहीं करेगा, तो अब और ही मेहनत करेगा तो क्या और स्पीड से ब्लड जाएगा, और स्पीड से जाएगा तो क्या ये और अच्छी तरीके चिपक जाएगा, और क्या इसी को हार्ट अटैक कहते हैं, तो पहले मेहनत की फिर जब चिपक गया तो चिपकने के बाद फिर ब्लड नहीं जाएगा, ये फिर खुल जाएगा, क्योंकि जब स्पीड रहेगी तभी ये चिपकेगा, तो जब कोई ब्लड नहीं गया फिर खुला तब हार्ट ने और मेहनत की तो और तेजी से गया फिर और चिपका फिर खुला तो ढक 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 आदमी मर गया। समझ में आ गई बात, तो स्पीड की वजह से कोलैप्स हो जाती चीज, इज इट राइट। नाउ अब हमारे पास ये चीज आ गई कि यहां पर देयर इज ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरीके का है, कि सबसे पहले ये जो नेसल कैविटी है, तो एक नेसल पैसेज है
और नेसल पैसेज के बाद क्या है, इसके माउथ का पैसेज है और ये, तो ये बकल कैविटी और नेसल कैविटी ये कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। तो ये तो बीच का पैसेज है, बट ये बकल कैविटी आगे बढ़ी और ये नेसल कैविटी, फिर ये एक चली गई कहाँ, फूड के लिए, और दूसरी कहाँ चली गई, विंड पाइप में चली गई। लेकिन अब इसके यहाँ पर क्या करने की संभावना है, क्या यहाँ पर इसके कोलैप्स करने की संभावना है? तो इसलिए यहाँ पर कार्ट्रिलेज लगे हुए हैं। कार्ट्रिलेज का मतलब जैसे आपका कान है, कान को मोड़ो तो क्या मुड़ जाता है, तो इस तरीके से बहुत सारी इसमें रिंग्स बनी हुई हैं, एक दो नहीं कई, वो उसको होल्ड करके रखती हैं कि कोलैप्स ना हो जाए, उनको क्या कहते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। फिर इसके आगे एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, ये टू ब्रोंकाई हैं, ओके। और यहाँ पर ये जो भी चीज गई है ब्रोंकाई, अब ये बाइफरकेशन हो गए, यही जो विंड पाइप था, ये चीज क्या है, विंड पाइप, जिसको कि आप ट्रैकिया कह रहे थे, जो आगे ले जा रहा था, तो ट्रैकिया आगे बाइफरकेट हो गया, दोनों लंग्स में अब ये हवा ले जाएगा, जिससे कि ब्लड कैपिलरीज को वहाँ पर एक्सचेंज करने का मौका मिल सके। तो ये चीज़ दिखाई गई है। नाउ दिस इज बोनी पैसेज, ये इन दोनों के बीच में बोन है, नाक और इसके बीच में ये बोन है, और ये नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल, और ये क्या है, क्या ये नेसल कैविटी है? और जहां पर ये दोनों मिलते हैं क्या उसे फेरिंग्स कहते हैं? ये चीज हो गया। अच्छा, ट्रैकिया यानी विंड पाइप जब आगे गई तो यहां से अब एक दो अलग अलग लंग्स हैं जो कि कहां तक जाएंगे, फिर ये डायाफ्राम तक चले जाएंगे। तो ये नीचे इसके डायाफ्राम, ये दिस इज डायाफ्राम, और अब यहां पर इसके अंदर लंग्स इनकेज्ड हैं, ये लंग्स है, और इधर भी, इधर पर भी क्या है, ये लंग्स है। सो दीज आर लंग्स जो इसके अंदर है। अच्छा, ये बाई लोब्ड है, यहाँ पर दो हिस्से होंगे और ये सिंगल है, तीन लंग्स होते हैं ये, अगर देखोगे ये बिल्कुल दो अलग अलग होते हैं और ये सिंगल होता है, अभी वो वीडियो में देखेंगे। ये चीज क्या है जो ट्रैकिया आगे बाइफरकेट हो गया, क्या इसको भी होल्ड करने के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे होंगे? इनको क्या कहा गया जो ये रिंग्स हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या आपकी नाक पे भी उंगली लगाओ तो मुड़ जाती है इधर उधर, सो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये तो ये कार्टिलेज हो गए। नाउ अब ये आगे क्या है जो दो हैं, सो दिस इज नाउ पेयर ऑफ, ये दोनों हो जाएंगे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, एक को प्लूरल को कहते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंकस एक को कहेंगे, लेकिन चूंकि पेयर है तो ब्रोंकाई कहेंगे, जैसे फोकस फोकाई, दो होते हैं तो फोकाई, रेडियस रेडाई, तो दो हैं तो क्या कहेंगे, ब्रोंकाई नहीं तो ब्रोंकस कहेंगे। अब आगे इसके अलावा ये आगे जाएंगे तो इनका अब यहाँ पर बहुत सारा रूट्स बन जाएंगे, इसी में से रूट्स निकलेंगे, तो ये रूट्स निकल गई, और सिर्फ रूट्स नहीं निकलेंगी, एक दो ही नहीं, फिर ये आगे चल के फिर और बाइफरकेशन हो जाएगा, जितना हो सकता है ये हो जाएगा, फिर ये रूट में बदल जाएगा ऐसे। तो सभी में क्या है, रूट्स बना दो सिस्टम, कि ये ऐसे इसमें भी, तो देयर इज, और इनके लास्ट में क्या होगा, ये जैसे हमने रूट जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, तो इनके लास्ट में क्या बैलून जैसा स्ट्रक्चर होगा,
हाँ, जिसको कि एल्वियोलीस कहते हैं, तो ये एल्वियोली होगा। वही चीज़ फूलती और घटती है, जैसे हम लोगों ने एक वीडियो में देखा था कि काउज लंग्स कैसे होता था, और दूसरी तरफ भी यही सब चीज़ होगी, लेकिन ये सब होने के साथ साथ एक रिप केज से भी ये ढका होगा। तो ये सब तो सिस्टम होगा ही, लेकिन एक इसमें क्या होगा, एक रिप केज भी होगा, वो दोनों तरफ ही होगा, जो एक दूसरे में फंसे रहते हैं और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो रिप केज किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से फंसा है, बढ़ता रहेगा घटता रहेगा, जैसे लंग्स एक्सपेंड करेगा या करेगा तो ऐसा होगा। तो ये रिप केज है, दोनों तरफ रहेगा रिप केज। अच्छा, ये ब्रोंकियोल्स हैं जो आगे बाइफरकेट हो गए, तो ब्रोंकाई से जो आगे बाइफरकेट हुए उनको क्या कहोगे, ब्रोंकियोल्स। और उसके अंत में क्या हो गए, क्या एल्वियोली, हाँ हाँ एल्वियोली ही कह सकते हैं या एल्वियोलर सैक भी कह सकते हैं। सो एल्वियोलर सैक। अच्छा, ये बाकी लंग्स हो गए, और ये सब जो ऊपर की चीज है ये थोरासिक कैविटी हो गई, ठीक है, और नीचे जो डायाफ्राम है क्या वो शीट ऑफ मसल्स है, वही चीज ऊपर नीचे करती है, एल्वियोली या एल्वियोलर सैक या एयर सैक भी उसको कह सकते हैं। नाउ ये सारी चीज तो हो गई कि किस तरीके से है। अब देखो अवर, अब इसका फंक्शन देखते हैं, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ बाकी इसको ऐसे दिखा सकते हैं। सो एल्वियोली, एल्वियोली जैसे क्या होता है कि लास्ट में किसी भी एल्वियोली, लंग्स के एंड में ब्रोंकियोल के आगे डिवाइड हो जाती है, तो जैसे लंग्स के एंड में ये चीज होती है कि बहुत लास्ट में ऐसी होती है, तो वहां पर बहुत सारे, जैसे बहुत बैलून नहीं होती है, होली के बहुत सारे बैलून एक साथ फुला सको तो पतले पतले पाइप से हवा आए तो फूल जाए, तो इसके अंदर हवा जैसा होता है एल्वियोलर सैक। देखो अंदर ऑक्सीजन दिख रही है, ऑक्सीजन निकल सकती है जा सकती है, ऐसा देख रहे हो एल्वियोलर सैक, दिस इज डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं। और ऊपर इसके कौन घेरे हुए है बताओ, ब्लड कैपिलरीज है क्या, इसके ऊपर जो ब्लू कलर की है वो डीऑक्सीजनेटेड आ रही है और फिर बाद में रेड बन के जा रही है क्या, बिल्कुल एक नेटवर्क जैसा है। अगर आप देखो तो ये बैलून जैसा गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा टाइप, छोटे 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 बैलून है, तो इनको अगर खोल दो तो एक टेनिस कोर्ट को 80 मीटर स्क्वायर के बराबर होते हैं, तो टेनिस कोर्ट को पूरा कवर किया जा सकता है, इसमें इतना वो होता है। ये बिल्कुल अंदर कुछ नहीं है, बैलून जैसा ही है, देख रहे हो खाली है, इसका क्रॉस सेक्शन देखो। सो इट इज़ लाइक दिस। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका अब हम फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ये वन सेल थिक है। नाउ अब देखो आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस विद नोज। So we breathe in through nostrils क्या है, pair of hole in nose, जिसको नथुने भी कहते हैं,
सो नॉस्ट्रिल से हम ब्रीद इन करते हैं, इट पासेस थ्रू नेसल कैविटी, एंड वाया फेरिंग्स इट गोज टू ट्रैकिया एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस ये क्या करता है, प्रिवेंट्स इट टू पास टू फूड पाइप। एपिग्लॉटिस सिर्फ एक पाथवे को ओपन रखता है, जब सांस ली जा रही है तो वो हवा जाएगी किसमें, विंड पाइप में, दो पाइप है ना, एक फूड पाइप है और दूसरी कौन सी है, विंड पाइप। और यहाँ पर एक क्या चीज है, माउथ से, और एक क्या चीज है, नोज से, और यहाँ पर एक एपिग्लॉटिस है। तो एपिग्लॉटिस ये कंट्रोल करती है कि एक को बंद कर दे, ये ढक्कन है, तो ये ढक्कन जब इधर यहाँ से हवा आई तो इसे बंद कर देगा एपिग्लॉटिस, तो यहाँ से चीज आ जाएगी। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ कैप विच आइदर क्या करेगा, यहाँ पर या यहाँ पर रहेगा। ओके, समझ में आ गई बात कि नहीं। सो दिस इज एपिग्लॉटिस। तो कभी आपका जब मुंह खुलता है तो क्या उसमें इस तरीके से ये निकला रहता है, बोलो, जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं? तो एपिग्लॉटिस ठीक है फैसिलिटेट इट टू मूव टू विंड पाइप, प्रिवेंट्स इट टू गो टू ट्रैकिया, ये फूड पाइप। बोलो सर, कभी हम खाना खा रहे हो और सर हमारा मतलब कोई फूड पार्टिकल अगर विंड पाइप में चल जाएगा तो क्या होगा? खाना अगर आप खा रहे हैं तो एपिग्लॉटिस खुला रहता है ऊपर की ओर, वो फूड पाइप में जाने देगा? नहीं सर, अगर विंड पाइप में गलती से चल जाए तो? विंड पाइप में, विंड पाइप में जाता तो नहीं है, अगर ऐसा होता नहीं फिर म्यूकस के साथ निकल जाएगा। अगर ऐसा होगा ना, अंदर कोई भी अनवांटेड चीज होती है तो म्यूकस फेंक देता है। तो इट गोज टू प्रिवेंट इट टू गो टू फूड पाइप। अब आगे देखो, जो ट्रैकिया है इट इज कवर्ड विथ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ट्रैकिया क्या है, इज कवर्ड विथ या एंड सर्कल्ड विथ, किससे होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि सॉफ्ट बोन है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट्स ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। वो उसे क्या करता है, कोलैप्स होने से बचाएगा कि नहीं? अभी हमने आपको बताया कि अगर बहुत तेज कोई चीज चले, हवा चले, तो कोई चीज कोलैप्स हो सकती है ना, तो उसको कौन बचाएगा, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कोलैप्सिंग, वो उसको बचा लेते हैं। अच्छा, नाउ ट्रैकिया बाइफरकेट्स, बाइफरकेट्स का मतलब है डिवाइड्स इन टू, डिवाइड्स इन टू टू ट्यूब ट्यूब्स एंड बाइफरकेट्स किसमें बाइफरकेट हो जाती है, इंटू पेयर ऑफ ब्रोंकाई, इंटू पेयर ऑफ ब्रोंकाई में बाइफरकेट हो जाएगी। एंड जो एयर है ऑक्सीजनेटेड एयर वो कहाँ जाएगी, एंड ऑक्सीजनेटेड एयर गोज टू, नीचे से थर्ड लाइन में फ्रॉम के आगे क्या लिखा है, ट्रैकिया फ्रॉम,
विच प्रिवेंट्स ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, जो उसको कोलैप्स होने से, चिपकने से बचा देता है, कोलैप्स नहीं होने देता है। कोलैप्स हो जाने का मतलब है कि वो वर्किंग उसकी स्टॉप हो जाए, उसे कोलैप्सिंग, सो विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। अच्छा, फिर क्या होगा, अब ये ऑक्सीजनेटेड एयर गोज टू पेयर ऑफ लंग्स, लंग्स के अंदर प्रवेश कर गई, क्योंकि लंग्स के बाहर था ये ब्रोंकाई, अब लंग्स के अंदर ब्रोंकियोल्स है, ठीक है। ब्रोंकाई फर्दर गेट मल्टी ब्रांच्ड इनटू क्या होगा, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई फर्दर ये क्या होगा, सब डिवाइड्स, किसमें सब डिवाइड्स हो जाएगी, ब्रोंकियोल्स, एंड देयर आर मिलियंस ऑफ ब्रांचेस विच टर्मिनेट्स एट, जो किसमें टर्मिनेट होती हैं, एट एल्वियोली, देयर आर मिलियंस ऑफ ब्रोंकियोल्स विच टर्मिनेट्स into alveoli, that is air sac, ये air के bag होते हैं, sac का मतलब bag होता है। alveoli are balloon like structure, alveoli क्या है, are balloon like structure, टर्मिनेट कर जाते हैं, जैसे ये है कोई भी ब्रोंकियोल्स है, तो ब्रोंकियोल्स जहाँ पर है उसके अंत में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो जो भी ब्रोंकियोल्स होंगे वो सब डिवाइड होंगे तो उनके अंत में बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा ऐसे, तो वो क्या होगा, उसके चारों ओर फिर कौन घिरे हुए हैं, ब्लड कैपिलरीज, उनका नेटवर्क है कि जल्दी से आए ऑक्सीजन तो हम लेके निकलें, यहाँ से आएंगे यहाँ से निकल जाएंगे, जैसा आपको दिखाया। तो इनके अंत में जैसे किसी में होली के बैलून नहीं मिलते हैं कि एक पतले पतले पाइप में बैलून लगे रहते हैं, ऐसे देखा है कि नहीं होली में, वैसे ही तो स्ट्रक्चर है बस इसका, बट ये फ्लेक्सीबल है। तो अब वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होंगे, एल्वियोलीज आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वन सेल थिक, कितना कैसे थिक हैं, ठीक है, विच आर वन सेल थिक, विच आर वन सेल थिक, और ये क्या होते हैं, दीज आर मेन साइट ऑफ डिफ्यूजन वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड पल्मोनरी साइट्स, यहीं पे तो सारा एक्सचेंज होगा। तो दीज आर हैविंग वेरी लार्ज सरफेस एरिया, जिससे बैडमिंटन कोर्ट को ढका जा सके, आपके में बना हुआ है कॉलम बॉक्स, उसमें लिखा है वेरी लार्ज सरफेस एरिया, 80 मीटर स्क्वायर होता है इनका एरिया, वेरी लार्ज सरफेस एरिया एंड साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड साइट of exchange of gases on other side of alveoli, क्या होता है, side of alveoli there is an extensive network, जो पूरी तरह से इसे घेरे हुए है, there is an extensive नेटवर्क, जाल बिछा रखा है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज बाल के बराबर पतली होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, एंड दे जो ब्लड कैपिलरीज हैं दे रिलीज CO2 इनटू एल्वियोली एंड टेक O2 फ्रॉम इट एंड दे या दीज
diffuse out CO2 into alveoli and the respiratory pigment hemoglobin bin क्या करता है, ये picks up O2 from alveoli, ऐसा हो गया. Now blood becomes oxygenated यहां से ऑक्सीजनेटेड हो गया एंड रूटेड टू हर्ट. जनेटेड हर्ट ने इसको भेजा था कि जाओ ऑक्सीजनेटेड होके आओ एंड गोज बैक टू हर्ट, कि हम आ गए हैं अब हमें पूरी बॉडी में भेजो. गोज बैक टू हर्ट, बड़े प्रेशर के साथ भेजा था हर्ट ने इसमें, और बिल्कुल कि जिससे हर पतली पतली फाइन ट्यूबुल से होकर के गुजर सके, प्रेशर से ना भेजा जाए तो भरा ही रहे फिर आ ना पाए. हर्ट ने पंप किया था लेफ्ट वेंट्रिकल से, इससे पंप किया था, यहाँ से ये जो दो ढक्कन दिखा रहा हूँ इससे पंप किया था कि जाओ तुम पल्मोनरी साइट में जाओ, पूरी फुल फोर्स के साथ भेजा था. अब वहाँ पे वो पतले पतले बालों से ब्लड कैपिलरी से होकर ऑक्सीजनेटेड होकर यहाँ गिरा, ठीक है, तो एट्रियम में गिरा जो ये राइट एट्रियम है, फिर यहाँ गिर गया ऑक्सीजनेटेड हो गया, पूरी बॉडी में भेजा जाएगा राइट वेंट्रिकल से. समझ में आ गई बात. तो इसने किसको रिपोर्ट कर दिया, गोज बैक टू हार्ट को कर दिया. नाउ एयर इन एल्वियोलर सैक कैसा हो जाएगा, क्या डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, एयर इन एल्वियोलर सैक ये कैसा है, कंटेन्स CO2 एंड एज डायाफ्राम मूव्स अप, डायाफ्राम कहाँ जाएगा, मूव्स अप, ठीक है, इट इज थ्रोन आउट फ्रॉम नॉस्टिल ठीक है, इट इज called breathing out or exhalation, called breathing out और inhalation क्या होता है, क्या breathing इनको inhalation कहते हैं, समझ में आ गई बात कि नहीं. तो ये exhale as breathing in takes place, then rib cage कैसा होता है, expands हो जाएगा. अगर आपका rib cage 5 सेंटीमीटर नहीं expand हो रहा है तो फिर फौज में भर्ती नहीं हो सकते हो. वो देखेगा, कहेगा सांस लो सांस छोड़ो, 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है तो कोई फौज में नहीं भर्ती हो सकता, चाहे किसी भी फौज में. तो rib cage expand होगा एंड जब ब्रीदिंग इन होता है तो क्या डायाफ्राम नीचे चला जाता है, ठीक है, सो मूव्स डाउनवर्ड. वैसे तो डायाफ्राम के नीचे जाने से ही ब्रीदिंग इन हो रहा है, एज ब्रीदिंग आउट टेक्स प्लेस तो क्या होता है, देन डायाफ्राम क्या होगा, मूव्स अप, एंड रिब केज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, बोलो, ऐसा होगा. द रिदमिक मूवमेंट ऑफ डाया वर्टिकल रिदमिक मूवमेंट ऑफ मस्कुलर डायाफ्राम मेक्स इट पॉसिबल ऑफ रिदमिक ब्रीदिंग इन एंड आउट. रिदमिक मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ किसका,
डायाफ्राम जो कि मस्कुलर था, सो मस्कुलर डायाफ्राम, ठीक है, मेक्स ब्रीदिंग इन एंड आउट. नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट में गया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच रीच्ड टू हार्ट कहाँ पहुंच गया था, अभी रेस्पिरेशन हुआ नहीं, अभी तो सिर्फ ऑक्सीजनेशन हुआ है, रीच्ड टू हार्ट इज पंप्ड with pressure to each cell of body their hemoglobin releases out O2. वो सिर्फ पकड़ेगा नहीं, वहां उसे रिलीज भी करना है. hemoglobin releases out O2 और CO2 से उसको कोई मतलब नहीं है कि CO2 ले ले, सिर्फ वो O2 के लिए बना है, CO2 से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है. Releases out O2 into cell and respiration, that is glycolysis, takes place in mitochondria and respiration. Respiration का क्या मतलब होता है, ग्लूकोज का टूटना क्या, बोलो. In mitochondria and energy is released for needful life processes and energy is released for needful life processes. The lungs capacity is 4.5 liter. तो हमारे lungs की capacity कितनी है, 4.5 liter. तो जिसमें कि ओनली 1/5 एयर इज एक्सहेल्ड आउट एंड 4/5 एयर उसके अंदर रहती है. सो नाउ दैट इज द लंग्स कैपेसिटी इज इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में ऐसी है 4.5 लीटर एंड आफ्टर ब्रीदिंग आउट सारी हवा नहीं बाहर निकल जाएगी, तब भी अंदर तो ब्लड है और वहां डिफ्यूजन होता रहेगा, ठीक है. 20% एयर गोज आउट एंड 80% नहीं, ये इसकी लंग्स कैपेसिटी, जब सांस लेते हो तो बिल्कुल 4.5 लीटर तक फुल हवा भरी है, लेकिन जब निकालोगे तो सिर्फ 20% बाहर आएगी, 4 लीटर अंदर भरी हुई है. एंड 80% रेसिडुअल यानी बची हुई एयर रिमेंस देयर, वहाँ हमेशा डिफ्यूज़न होता रहेगा, ये नहीं कि फिर नई गैस आए नई हवा आए तब सांस ली जाए, वहाँ तब भी इतनी रहती है, रिमेन्स देयर. तो रेसिडुअल वॉल्यूम वहाँ पर हमेशा बना रहेगा. और जो हम लोगों का ब्रीदिंग रेट है वो कितना है, सो द एवरेज ब्रीदिंग रेट कोई बता सकता है ऑफ एडल्ट ह्यूमन is 15 to 18 times per minute, 15 to 18 times per minute. तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जो भी परसेंटेज होती है कि ये होती है, और सो
नाउ अब ये देखो कि हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन. नाउ नॉर्मल कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन. हाँ हाँ, वो तो पार्शली पाइरूवेट में टूट जाएगा, तो ठीक है वो लिख लो, इन सेल लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया भी मत लिखो, सेल लिख लेना ज़्यादा ठीक. वो सब सेल के अंदर पूरा टूटेगा पूरी तरीके से, तो सेल कर दो. अब देखो द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इज 12-2, ज़्यादातर इतना लोगों में होता है, 18 ग्राम पर 0.1 लीटर ऑफ ब्लड. अगर ये देखा जाए तो 120 टू 180 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पर लीटर, एक ही बात है कि नहीं, या 12 टू 18 ग्राम पर इतना हीमोग्लोबिन ब्लड में होना चाहिए. सो ये एक रेंज है, और वैसे सही चीज़ कितनी है, 13.5 से अगर 15 तक है तो सही माना जाता है. सो ए हेल्दी पर्सन इज हैविंग हीमोग्लोबिन फ्रॉम 13.5 टू 15, तो उसे हेल्दी माना जाएगा. उससे कम है तो एनीमिया कहा जाता है. सो इफ देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन तो क्या क्या हो जाएगा, उस चीज़ के बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे कि एनीमिया क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी और क्या बीमारियाँ होती हैं. इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू. कल क्या है, सैटरडे ना, वाइवा संडे को, कल क्लास होगी, कल. हाँ बोलो.